यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट रेसिपी आप तक पहुंच सके। मलिका किचन खास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है जामफल की सब्जी। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बड़े साइज़ का अमरूद लिया है, अमरूद या फिर जामफल आप जो भी बोलते हैं। इसे मैंने वॉश कर लिया है, यानी कि अच्छे पानी से इसे धो लिया है और अब मैं इसे कट कर लूँगी। और अब अमरूद को इस तरह से काट कर और इसके जितने भी सीड्स हैं बीच में से, ये देखिए इस तरह से हमें इसे इसके सारे बीज निकाल देना है। बीज निकालना ज़रूरी है, नहीं तो वो मुँह में दांत में हमारे फंसते हैं, इसलिए इसके सब बीज निकाल दें और इसे छोटे छोटे से टुकड़ों में कट कर लें। इस तरह से इसे कट कर लें। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे से इसके टुकड़े कर लेना है। जनरली हम सभी लोग जाम को ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसे खाने से ज्यादा टेस्टी इसकी सब्जी बनती है और मुझे ये सब्जी पर्सनली बहुत पसंद है। सीजन में कम से कम मैं इसे वीक में 4 बार बना ही लेती हूँ। ये सब्जी बहुत ही डाइजेस्टी होती है और पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। छोटे चम्मच से तेल, इसमें बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, राई, और गैस को हमें मीडियम फ्लेम पर रखना है। और अब मैंने लिया है कटी हुई हरी मिर्च, इसको इस तरह से काट लिया है और अब इसे इस तरह से चला लें। तो अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर हींग। हींग से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हींग जरूर डालें। इसमें कुछ ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें कटा हुआ जामफल, जिसे हमने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसमें मिला देना है। और अब इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। तो अब हम डाल रहे हैं यहाँ पर नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि हमने यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्च भी डाली है, इसलिए लाल मिर्च आप देख कर डालें। और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और ये डाल रही हूँ मैं गरम मसाला। और अब इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा यानी कि 1/2 गिलास से भी थोड़ा कम पानी लिया हमने यहाँ पर। और गैस को मीडियम रखना है। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके पकने देंगे। जाम को गलने में या सब्जी बनने में इसका बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। 3 से 4 मिनट हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेना है और ये बहुत जल्दी ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। जाम हमें एक चीज़ याद रखनी कि जाम हमें कच्चे नहीं लेना है, जाम हमें थोड़ा पका हुआ ही लेना है, जिससे इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। और जाम खट्टा होता है, इसलिए इस खटास को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर डाला है गुड़। गुड़ ना हो तो आप शक्कर भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच इसमें शक्कर डालें, या फिर आप जितना मीठा इसे पसंद करते हैं उस हिसाब से आप शक्कर डालें। तो यहाँ पर हमारी जाम की सब्जी बनकर एकदम तैयार है। और ऊपर से डाल रही हूँ मैं चॉप किया हुआ हरा धनिया। इस सब्जी में हमें न तो लहसुन की ज़रूरत होती है, न ही प्याज की ज़रूरत होती है। इसे आप जितना सिंपल तरीके से बनाएंगे इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। और इसका कलर देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, और उसका टेस्ट जो उसे मैं बता नहीं सकती हूँ कितना टेस्टी होता है। और इसे हम निकाल लेते हैं बोल में। इसे आप पराठे के साथ खाएं, आपको इसका टेस्ट बहुत ही मज़ा आएगा। और आप इसे एक बार ज़रूर से बनाइए और बनाने के बाद मुझे बताइए कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। तो ये लीजिए, हमारी जाम की सब्ज़ी बनके तैयार है। और यदि आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और रेसिपी को शेयर जरूर करें। फिर मिलूंगी आपसे अपनी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।